लीजिए इस वक्त शेखावाटी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज एंड इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता इस वक्त मुकुंदगढ़ टीम के साथ परिचय की वानगी माननीय विधायक इस समय मुकुंदगढ़ की बालिकाओं के साथ परिचय लेते हुए निर्णायक दल के साथ इस समय माननीय विधायक मुखातिब होते हुए परिचय अंपायरों के साथ और ये टीम है इस वक्त पाई की जो आगाज इस समय उद्घाटन पहले मैच का बाय टीम की बालिकाएं इस समय आशीर्वाद प्रदान करती हुई भारतीय संसरा भारतीय संस्कृति के मुताबिक चरण स्पर्श करते हुए विधायक महोदय का वक्त है इस वक्त टॉस का मुकुंदगढ़ बनाम बाय के बीच टॉस का शिखा माननीय विधायक के द्वारा देखते हैं टॉस किस तरफ घूमता है शिखा उछाल लगा हेड इज द कॉल और यहां बाय की टीम ने टॉस जीता चौबीस रेड मैच शुरू होता हुआ पहला रेड इस वक्त ज्योति चली है देखते हैं ज्योति की ज्वाला से कितने पॉइंट आते हैं इस रेड को लेकर अश्विनी महाविद्यालय बाय बनाम कानोडिया महाविद्यालय मुकुंदगढ़ के मध्य ये पहला मैच इस वक्त कबड्डी कोर्ट से एक बार फिर मैं गजाना आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी बालिका वर्ग में इस समय पहला मैच जो कि उद्घाटन आगाज सेफी कम बैक डी लाइन को छूकर एक बार फिर से 12 नंबर पहचान संख्या से ज्योति हिरड पे देखते हैं कैसे और कौन सी टीम शुरुआत करती है निर्धारित 30 सेकंड में ही वापस लौटना आवश्यक एक बार फिर खामोशियां हैं 17 नंबर शेव कानोडिया की बेहतरीन रेडर शुरुआती क्षण खेल के अब से कुछ क्षण पहले माननीय स्थानीय विधायक ने पारंपरिक तौर पे फीता काट कर उद्घाटन किया डू डाई पे अब 13 नंबर से और यहां लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश डिफेंस जबरदस्त इस वक्त का नोडिया का डिफेंस की बदौलत ओपन इज अकाउंट तो बाई के ऊपर कहीं ना कहीं शुरुआती समय में कानोडिया बढ़त बनाता हुआ 1-0 से आगे टॉस बाई की कप्तान ने जीता 24 रन रखा था लेकिन शुरुआत देखिएगा थोड़ी सी विपरीत और इस घर से एंगल होल्ड का जवाब डिफेंस का जवाब डिफेंस से दिया है एक अंदाज से खाता खोलते हुए दोनों ही टीम की बालिकाएं एक एक से स्कोर ले अब 3 नंबर 50 संख्या में उभरती भी उदयमान खिलाड़ी शीतल और शीतल लक्ष्य तक पहुंचते हुए बड़ी रेड झोम बराबर झोम खुशी का ठिकाना नहीं सुपर रेड हो सकती है यहां निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी 4 पॉइंट देखे कितना बड़ा चौके आपने क्रिकेट के मैदान पे बहुत देखे हैं लगाएंगे भी होंगे लेकिन इस वक्त देखिए कबड्डी वर्ग में और जबरदस्त एंगल होल्ड हिलने भी नहीं दिया तो मजबूत होता भाई इस वक्त बाय 7 पे पहुंचता अंतिम डिफेंडर ऑल आउट का आसान अवसर लीजिए इसके साथ ही कानोडिया महाविद्यालय मुकुंदगढ़ बाय के सामने ऑल आउट पहली बार 9-1 का स्कोर 8 अंक की बढ़त निश्चित रूप से पिछड़ता हुआ मुकाबले में और फिर से वही 15 बाई की टीम की जितनी तारीफ करें उतनी कम है कानोडिया की मुश्किलें बढ़ती भी 13 नंबर से निकिता और यहां निकिता पीछे रह गई है जबरदस्त जवाब दिया है एक बार फिर सेकंड टाइम ये शानदार डिफेंस दूसरा पॉइंट जाता हुआ इसमें मुकुंदगढ़ के गढ़ में 9-2 का स्कोर है 7 अंक पीछे बाय की टीम आगे टॉस जीता और उसके बाद बढ़त बनाने में कामयाब एक बार फिर से खामोशी वापस ज्योति ज्योति अच्छा स्टार्ट दे चुकी है टीम को और उसका फायदा उठाना चाहिए बलो क्या भार भेजने की कोशिश और रेडर यहां आउट हालांकि पांव से पहुंचने की भरपूर कोशिश की गई थी लेकिन डिफेंस से तीसरा पॉइंट इस समय कानोडिया महाविद्यालय मुकुंदगढ़ की मंडी में जाता हुआ धीरे धीरे वापसी की कोशिश में इंटर कॉलेज पीजी कॉलेज दातारामगढ़ में ये
कबड्डी टूर्नामेंट 2024 इसमें बालिका वर्ग में देख रहे हैं। राजस्थान की पहला ही मैच है, उद्घाटन श्री गणेश जिसे कहते हैं। कबड्डी तीन नंबर से एक बार फिर शीतल थोड़ा सा खौफ पॉइंट कमाने का, डी लाइन से ही वापस लौटना पड़ा। और अब कनौरिया टीम की ओर से रेडर रेस करते हुए 17 नंबर पहचान संख्या से एंगल होल्ड की कोशिश, सफलता मिलते हुए ये कमजोर पक्ष है कहीं ना कहीं कनौरिया महाविद्यालय का, क्योंकि रेडर ने निराश ही किया है अधिकतर। अब तक कोई सफल रेडर दिखाई नहीं दिया है, जबकि बाई की ओर से बड़ी रेड भी देखने को मिली थी एक चार पॉइंट की। एक बार ऑल आउट कर चुका है कनौरिया को, फिर से देखिए सेफ वापस लौटे, पॉइंट मिले या ना मिले पॉइंट नहीं गंवा रहा है यहाँ अश्विनी महाविद्यालय बाय। छह के डिफेंस के साथ इस वक्त दर्शक दीर्घाओं में भी काफी कोचिज नजर आ रहे हैं प्रशिक्षण देते हुए। निकिता प्रयास रहते हैं 13 नंबर से, 10-3 से आगे है इस वक्त बाय। छह का डिफेंस काफी देर से बोनस ऑन है, लेकिन इतना आसान नहीं बाय की झोली से बोनस या फिर टच पॉइंट अर्जित करना। अब तक कोई भी रडर सफल नहीं रहा है और ये निश्चित रूप से कमजोर पक्ष देखा जा सकता है आपके खेल में। एक बार फिर वही निकिता, माफ कीजिए शीतल, 3 नंबर से इससे प्रयास रहते खिली भी धूप भगवान भास्कर अपनी चमक बिखेरते हुए, जबकि कॉलेज की बालिका इस में प्रकाश बिखेरने की कोशिश में। 17 नंबर से अब कनौरिया कॉलेज की ओर से या तो पॉइंट गंवाया है कनौरिया की रेडर ने या फिर ओ पहला सफल रेडर इस वक्त है टच पॉइंट, चार पे पहुंचता वहां निकिता। 13 नंबर इनकी पहचान, परंपरागत अंदाज छकाने की कोशिश, लेकिन बोनस से बहुत दूर है, अभी भी टच पॉइंट का भी इतना आसान अवसर नहीं कहा जा सकता। 7 के डिफेंस में नजर आता हुआ एक बार फिर से सेफ कम बैक, अब 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है, टच पॉइंट लेना कहते आसान नहीं होगा, धक्का दिया है पहुंच गए रेडर सफल, दूसरा रेड सफल है ये इस मैच में अब तक कनौरिया महाविद्यालय मुकुंदगढ़ की ओर से। वापस धीरे धीरे मैच में लौटता है इस समय कनौरिया, जबकि बाय बहुत तत्काल प्रभाव से ऑल आउट किया था विपक्षी टीम को, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा यहां खामोश दिखाई दे रहा। शेटार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, पहला टाइम आउट कनौरिया की ओर से, और यहाँ गुरु गंभीर हैं प्रशिक्षण देते हुए गुरु मंत्र, देखते हैं कितना असर कनौरिया की बालिकाओं पे देखने को मिलता है। बड़ा रोचक लगता है गहरी मंत्रणा इस समय, लंबा अनुभव है घाट घाट का पानी पी हुए। 5 पे पहुंचता हुआ कनौरिया महाविद्यालय, जबकि 11 पे है इसमें बाय, और यहाँ जबरदस्त तरीके से टेकल करते हुए बाय बाय रेडर को, अच्छा कार्य करता हुआ इस समय अश्विनी महाविद्यालय। नजरें हटी तो घटना घटी, ये कहानी कहावत, लेकिन साक्षात देखने को मिला। अब 12 पे पहुंच गया है, 12-5-7 अंक की बढ़त अभी भी, एक बार ऑल आउट के साथ बाय, लेकिन थाई होल्ड कमजोर, उसके बावजूद अच्छा नियंत्रण, सामने से अच्छा साथ मिला सहेलियों का, बेहतरीन नियंत्रण, छठा पॉइंट, कभी उधर तो कभी इधर, और यह है खेल का खूबसूरत रंगमंच। होनार बेटियां इस वक्त राजस्थान प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंची हैं, अलग अलग कॉलेजों की प्रतिभावान बालिकाएं अपना खेल कौशल दिखाते हुए। निकिता एक बार फिर से कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, मगर सुंदर बचाव पीछे जाते हुए। 7 के सोलिड डिफेंस के साथ नजर आ रहा पिछले
दो तीन मिनट के खेल से कानोडिया और थाई होल्ड देखे कितना गजब का कमाल का कैच किया, एक और बहुमूल्य अंक जाता हुआ सातवां पॉइंट इस समय कानोडिया के खजाने में। 7-12 अब सिर्फ 5 अंक पीछे है, वापसी का अवसर तो बनता है, सुपर टेकल में फायदा उठाना चाहिए था मगर शेप कम बैक। शीतल एक बार फिर से बड़ी शीतलता के साथ खेल को आगे बढ़ाती है और लगातार प्रयास रहते इस वक्त। फर्स्ट हाफ का खेल, हाफ टाइम का समय नज़दीक है, 7 का सॉलिड डिफेंस जो आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट अंपायर के रूप में लीजिए। इसके साथ ही सब्स्टिट्यूट को मौका दिया है बाय की टीम ने क्योंकि संकट में है, फायदा उठाना चाहिए था सुपर टेकल से लेकिन खामोश पिछली दो रन बगैर किसी हलचल के, यहाँ मुश्किलें बढ़ सकती हैं यदि रेडर सफल रहती है तो। शीतल बड़ी शीतलता के साथ थाई होल्ड मजबूत और पहुंच गई है लीजिए, सुपर टेकल का अवसर अब दोबारा शायद ही मिलेगा इस हाफ से कानोडिया को। सुपर रेड 3 पॉइंट देखे, सुपर टेकल में ऑल आउट करते हुए बढ़त बनाई जा सकती थी लेकिन अपने आप को कमजोरी साबित किया खाली हाथ लौट कर, इसलिए मौका मिल गया। और शीतल का जिक्र किया था मैंने कि खेल को शीतलता के साथ आगे बढ़ाएंगे और वो कर दिखाया, 3 पॉइंट के साथ 15 पे पहुंचा, 15-7 का स्कोर लगभग दुगना, 8 अंक की बढ़त है बाय के पास। कॉर्नर पे फिर से कमजोरियां और एक आसान अंक लीजिए, अब 16 पे पहुंचता हुआ 16-7 यानी 9 अंक की बढ़त, जितना स्कोर उनसे ज़्यादा तो बढ़त आ चुकी है बाय के पास जबकि फर्स्ट हाफ का खेल 10-10 का ये मैच है और फर्स्ट हाफ का समय नज़दीक ही है और आसानी से शिकार होती कॉर्नर पे। अब ऑल आउट के लिए कहानी बदलती हुई देखिए, सेकेंड टाइम कानोडिया महाविद्यालय मुकुंदगढ़ अग्नि परीक्षा 2 का डिफेंस सेल्फ आउट एक खिलाड़ी और अब आसान अवसर इकलौती के लिए रोकना कतई आसान नहीं, दाई लगाई है रोकने की कोशिश लेकिन सेकेंड टाइम ऑल आउट, 4 पॉइंट जाते हुए बाई की भावनाओं में। 21 पे पहुंचता हुआ लेकिन इधर से सफल रन 21-8 का स्कोर, 13 अंक पीछे मैच में, अवसर जो आया था वो स्वीकार नहीं किया कानोडिया महाविद्यालय ने अन्यथा 3 के डिफेंस में 2 रेड से सेफ वापस लौटा था कानोडिया और उसी समय पॉइंट अर्जित कर सकता था, ऑल आउट का अवसर बनता और यहां लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश मगर पकड़ इतनी मजबूत है हिलने भी नहीं दिया, हालांकि प्रयास किया हाथ आगे बढ़ाए। ज्योति एक बार फिर से जबरदस्त लय में है, ज्योति हो शीतल हो निकिता हो ये है स्टार राइडर, देखिए कॉन्फिडेंस देखिए कितना मजबूती से बड़ा पॉइंट अर्जित किया। इसके साथ ही मिड टाइम हाफ टाइम का समय, हाफ टाइम हाफ टाइम के समय स्कोर है इसमें बाय 23-23 जबकि कानोडिया महाविद्यालय 8 यानी कि हाँ बेटा 15 अंक पीछे है और लगातार यहाँ स्कोरिंग करते हुए जबकि काफी विशाल संख्या में यहाँ खिलाड़ीगण और दर्शक ऑडियंस देखे जा सकते हैं जो इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा रहे हैं। इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी इनको एक बार फिर से ये सौभाग्य मिला कबड्डी प्रतियोगिता 2024 बालिकाओं का जो कबड्डी मैच है प्रतिभागी नजर आ रहे हैं। सेकेंड हाफ शुरू होता हुआ तो फर्स्ट हाफ अश्विनी महाविद्यालय बाई के नाम रहा, देखते हैं सेकेंड हाफ में कैसे खेल को आगे बढ़ाती है दोनों ही टीमें। पकड़ कमजोर लक्ष्य तक पहुंचे, अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ इस वक्त कानोडिया महाविद्यालय। ज्योति एक बार फिर से स्टार राइडर है लेकिन यहां छोड़ने वाला नहीं कानोडिया, अच्छा पलटवार यहां हो सकता है। कानोडिया गोज टू इन डबल फिगर 10 में पहुंचा, अभी भी 13 अंक पीछे है, देखते हैं 17 नंबर से इस वक्त खामोशी वापस मनीषा चले हैं, यह संभवतः पहला रन मनीषा का और झपट्टा आगे हाथ बढ़ाया 10 पॉइंट अर्जित किया। सब्स्टिट्यूट को जो मौका दिया था उन्होंने ये पॉइंट अर्जित किया है तो अच्छी सोच इस समय कोच की, फायदा मिलता हुआ एक्स्ट्रा खिलाड़ी को अवसर देना जो रिप्लेस किया
छह के डिफेंस में इस वक्त बाय कनौरिया टीम की ओर से 24 पे पहुंच चुका है, जबकि 10 पे है कनौरिया महाविद्यालय। फिर से वही बालिका मनीषा, मन की इच्छा पॉइंट अर्जित करने की, एक बार फिर से सेफ ही वापस 17 नंबर सेव कनौरिया की प्रतिभा वानरेड। छह का डिफेंस है यानी कि बोनस ऑन काफी देर से और उसी की तलाश में खामोशियां है। शीतल आ गई है, शीतल ने ऑल आउट से बचाने में जो योगदान दिया था वो काफी महत्वपूर्ण था, सुपर रेड से वापसी कराई थी। बोनस, पहला बोनस है ये मैच का संभवतः, बोनस के साथ क्वार्टर सेंचुरी कम जब 25 स्कोर बढ़ता हुआ। एंगल होल्ड की कोशिश, लक्ष्य तक पहुंचे, सिंगल पॉइंट का इशारा तवा। 11 पे अब कनौरिया, 11-25 14 अंक पीछे और धक्का दिया है भाव भेजा, ये अच्छा टेक्निक इस वक्त पुश करते हुए पॉइंट अर्जित करना। 12 पे पहुंचा है, धीरे धीरे प्रयास तो कर रहा है लेकिन अभी भी काफी पीछे है। 4 के डिफेंस में अब 17 नंबर की रेडर सेफी वापस लौटी। निकिता चली, 10 पॉइंट की मांग मिलेगा। शानदार ऑफसेटिंग में नजर आते हुए तमाम ऑफिशियल्स, बेहतरीन भूमिका बगैर किसी भेदभाव के ज्योति वंस अगेन। बोनस अर्जित करने की कोशिश की गई है, आधा धुरा प्रयास, प्रतीक्षा करनी होगी। जी हाँ, बोनस मजबूत एक बार फिर से अश्विनी महाविद्यालय बाय का बॉल वाला, जबकि कनौरिया इसमें थोड़ा सा कमजोर। 6 का डिफेंस है, पिछली रेड से बोनस चुराया था कि किया हवा में, बड़ी रेड 2 पॉइंट डबल टच, पहले किक किया और फिर पुश करने के लिए डिफेंडर सामने आए, उसे भी धक्का देकर लक्ष्य तक पहुंची। बेहद अच्छी स्थिति में दिखाई देने लगा है क्योंकि 10-2-10 का मुकाबला, समय जो जो आगे बढ़ेगा दबाव बढ़ेगा। डबल थाई होल्ड, देर होता हुआ इस समय कनौरिया महाविद्यालय ज्योति सबसे सफल रेडर है अब तक सुपर टेकल में कनौरिया। एक आसान सा टच पॉइंट, अब 2 के डिफेंस में मुश्किलें बढ़ते हुए अनुभव का फायदा उठाने की चाहत, लक्ष्य तक पहुंचे डबल पॉइंट। अब अंतिम बालिका, तीसरी बार ऑल आउट का खतरा सर पे, गलतियों से बैकफुट पे जा रहा है अन्यथा मुकाबला बहुत टाइट होता। अगर बुद्धिमता के साथ खेल आगे बढ़ाया होता, सफल रेडर टच पॉइंट लेकर वापस लौटे हैं, लेकिन कितनी देर खैर मनाएगा देखते हैं। कनौरिया ऑल आउट से बचने की बेहतरीन तरीके से खेल को आगे बढ़ाता हुआ, फर्स्ट हाफ में 2 बार ऑल आउट किया है बाय ने कनौरिया को और तीसरी बार तैयारी, लक्ष्य तक पहुंचे सिंगल टच पॉइंट। एक बार फिर अंतिम खिलाड़ी क्या यहां फिर से सफल होंगे, देखना दिलचस्प होगा, मगर जितनी तारीफ करें उतनी कम है बाय की बालिकाओं की, जो कि ब्लू और पिंक कलर में है। बड़ी रेड 2 पॉइंट हो गए शायद डबल बोनस के साथ, यानी सुपर रेड। ये होता जुनून जज्बा कि हर नहीं मैं कुछ कर सकते हैं, कर सकती हूँ। बोनस भी था क्या, नियंत्रण खोया और 2 पॉइंट यहाँ गंवाता इस समय कनौरिया। फिर से रोमांचक होता मुकाबला, हौसला अफजाई कंटिन्यू, लेकिन आत्मविश्वास की कमी इस रेड से आ सकती है। जी हाँ, आसानी से शिकार ऑल आउट तीसरी बार, देखिए खुशी का ठिकाना नहीं इस वक्त बाई की बालिकाओं का, क्योंकि 3 बार ऑल आउट कर चुका है कनौरिया में और यहाँ पुश करने की कोशिश कामयाब भी रहे रडर आउट। 17 पे पहुंचा है कनौरिया जबकि 38 है बाई का स्कोर। धक्का दिया है और फिर से शानदार टेकल,
बोनस दिया गया है हनी की ईच पॉइंट एक एक दोनों टीमों को 38-18 यानी 20 पॉइंट की कितनी मजबूत बढ़त है। इसे काटना अब कतई आसान नहीं, समय ज़्यादा नहीं सेकंड हाफ का और समय दबाव बढ़ाएगा क्योंकि समय इंतजार करने वाला नहीं है। 10 नंबर पहचान संख्या से कानोडिया महाविद्यालय मुकुंदगढ़ क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली थी, फायदा नहीं उठाया, अवसर भी आए थे विपक्षी टीम को ऑल आउट करने का लेकिन अवसर गंवाए। रेडर की कमी कहीं ना कहीं कानोडिया महाविद्यालय की टीम में, जबकि बाएं के पास अच्छे रेडर भी दिखाई दे रहे, चाहे वो ज्योति हो, शीतल हो, निकिता हो या फिर उनकी अन्य सहेलियां मनीषा जैसी स्टार रेडर सामने आई। छह के डिफेंस में फिर से देखे सफलता के और 14 नंबर को बाहर भेजता बहादुरी के साथ, बड़े बालिकाएं, बड़ा खेल, अच्छा तालमेल, बेहतरीन कैप्टनसी और एकता की जो मिसाल पेश की है बहुत ही शानदार। खामोश कदमों से ही कम बैक कानोडिया क्योंकि रेडर ज्यादा प्रभावशाली नजर नहीं आई, यही वजह कि वो बैक फुट पे धक्का दिया है, बाहर भेजा रेडर, शायद आउट नहीं, सेफ है, लक्ष्य तक पहुंचे अपनी टीम के लिए लेके आए। गनोडिया जो टीम है 40 पे पहुंचता वाबा है, शायद यह कानोडिया को हराते हुए बाय बाय बोलना चाहेगा। दबाव के पल बहुत मुश्किल हैं, ये हालात सामना कर पाना चुनौती का। मनीषा फिर से आ गई है क्योंकि 7 दिन में पहले शामिल नहीं किया गया था, फिर मौका दिया गया सब्स्टिट्यूट के रूप में और यहाँ डबल थाई होल्ड का शिकार मनीषा, बड़ी देर से सफलता मिली है कानोडिया महाविद्यालय की टीम को, बहुमूल्य अंक लेकिन मुकाबले में काफी पीछे, 5 मिनट से भी कम समय शेष। छह के डिफेंस में इस वक्त खाली हाथी, खाली हाथी लौटे, टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ सब्स्टिट्यूट को मौका दिया है कानोडिया महाविद्यालय ने। 41-19 का स्कोर है लेकिन आपको बताना चाहेंगे मनीषा और ज्योति सगी बहनें हैं, थाकर बहनों का बोलबाला इस वक्त बाय की टीम में और यहाँ ज्योति लक्ष्य तक पहुंच गए, बड़ी रेड ठाकर की जबरदस्त रेड, यहाँ 43 पे पहुंचता बाबा है और खास कर इसका सरे जाता है ठाकर बहनों को, ज्योति और मनीषा सगी बहने और उन्हीं का बोलबाला। देखिए अब ज्योति फिर से रेड पे, पिछला रेड भी जबरदस्त था मनीषा का, जितनी तारीफ प्रशंसा की जाए उतना कम है। सुपर टेकल में 3 बार पहले ही ऑल आउट हो चुका, 2 बार फर्स्ट हाफ से और 1 बार इस हाफ से, 4थी बार तैयारी, कड़ा इम्तिहान, टोटा से यहाँ मिलता हुआ देखिए कितनी बुद्धिमान खिलाड़ी हैं। 44-44 पे जबरदस्त सुरताल संगीत के साथ खेल को आगे बढ़ा रहा है, 1 पॉइंट यहाँ शीतल को गवाना पड़ेगा। सुपर टेकल कंटिन्यू, 20 पे जरूर पहुंचा कानोडिया लेकिन बहुत पीछे है, दिल्ली बहुत दूर है मुकुंदगढ़ के लिए। थाई हॉल देखे कितना लाजवाब है, ये ताकत नजाकत, बेहतरीन रेडर के साथ साथ डिफेंस में भी 2-2 हाथ दिखाता हुआ बाय, 2 का डिफेंस, सुपर टेकल। ज्योति समय बेहतरीन फॉर्म में गुजर रही हैं और आसान नहीं उनका सामना करना डिफेंडर के लिए, क्या यहाँ ऑल आउट कर पाएंगे। सेकेंड हाफ का समय भी बहुत कम है, फायदा उठाना चाहिए, खामोशी वापस, एक बार फिर से हवा में किक करने की कोशिश है, कड़े इम्तिहान और आसान सा कैच करता है इस समय बाय। अब बिल्कुल सुनहरा अवसर
आसानी से यहाँ ऑल आउट करता हुआ देखिए, फोर्थ टाइम कानोडिया महाविद्यालय मुकुंदगढ़ ऑल आउट, अर्धशतक के करीब पहुंचता हुआ बाय 49, जबकि 20 पे है कानोडिया और यहाँ 21वां पॉइंट, 28 अंक अभी भी पीछे है। बहुत मुश्किल हालात हैं, समय ज्यादा इजाजत नहीं देने वाला। तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान भीलन लोटी गोपियां, वही अर्जुन और वही बाण। दोस्तों समय बलवान होता है और समय दबाव बढ़ाएगा अब मुकुंदगढ़ के ऊपर, जबकि बाय जीत के करीब जाता हुआ। लीजिए इसी के साथ समय समाप्त है 49-49, 21 के साथ यानी 28 अंकों के बड़े अंतर से अश्विनी महाविद्यालय बाय ने कानोडिया महाविद्यालय मुकुंदगढ़ को पराजित किया है और इस उद्घाटन पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की है। थैंक यू सो मच शानदार ऑफसेटिंग के लिए। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशन से बाय एक दूसरे के गले लगते हुए और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच। कुछ समय के लिए आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं, अगले मैच के लिए मैं फिर हाजिर हूँगा। शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे।